30 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। नंबर 1, गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है। नंबर 2, कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। नंबर 3, बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र जो तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। नंबर 4, रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 5, केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। नंबर 7, देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। नंबर 8, शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता। नंबर 9, जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। नंबर 10, तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। नंबर 11, पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। नंबर 12, मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। नंबर 13, कमल को 5 रात, बिल्व पत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। नंबर 14, पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल जाता है। नंबर 15, शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता, लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 16, हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। नंबर 17, पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 18, दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। नंबर 19, द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र न तोड़ें। नंबर 20, प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। नंबर 21, आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। नंबर 22, जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे वस्त्र, केशादि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जप आदि करता है उसे देवता नाश कर देते हैं। नंबर 23, मिट्टी, गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। नंबर 24, मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़ें। नंबर 25, पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाहन के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। नंबर 26, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। नंबर 27, पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। नंबर 28, कृष्ण पक्ष में, रिक्तिका तिथि में, श्रवणादि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। नंबर 29, अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ न करें। नंबर 30, मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता।
जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।